बेगूसराय में जमीनी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में लगातार विवादों का सिलसिला जारी है और इस जमीनी झंझट में एक ओर जहां लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस कड़ी में मंगलवार की शाम हुए जमीनी विवाद ने भी हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें महिला समेत लगभग 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र एवं साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है। घायलों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल निवासी राम पदारथ यादव का पुत्र रवि रंजन कुमार, मुकेश यादव एवं रामुदय यादव घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ साहेबपुर कमाल थाना के कुरहा बिन टोली निवासी चंद्रशेखर यादव की पत्नी पिंकी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला के पति ने बताया कि आरोपी 4 भाई आपस में लड़ रहे थे, उसी दौरान गाली देने पर पत्नी ने उसका विरोध जताया। उतने में ही सभी मिलकर महिला को पीट पीट कर घायल कर दिया। सभी घायल को संबंधित थाने की पुलिस इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत हैं। टीम आग लगा दिया, पिलर भी उखाड़ दिया था और मारा था। हां, थाना दे दिए, बता दिए इसमें शामिल जो जो आदमी है उसका नाम बता दिए। जमीन विवाद बोला, थाना बोला ठीक है, आवेदन दे दे पापा। कम से कम 12 आदमी थे। मेरा नाम रवि रंजन है, राम पदारथ यादव। 3 आदमी घायल थे, घर कंकोल। वहाँ पर जो है वो अपना घर में लड़ रहा था दोनों भाई, मुकेश यादव और पीयूष यादव और प्रमोद यादव, विजय कुमार यादव। अपना हम लड़ रहा था, गाली दे रहा था हमको बिना। तो पत्नी गया, कहा कि क्यों हमको गाली देता है, हम तो आपको कुछ बिगाड़े नहीं, काहे गाली दे रहे हैं। तब बस इनका उनका अपना घर से लड़ाई छोड़ करके इनको पीटना शुरू कर दिया। यही चार ये कहा कि हमको क्यों गाली देता है, हमको हस्बैंड को, हमको हस्बैंड आपको क्या लिया, काल के मार दे बेटी चोद को, कहो गांव छोड़ के भाग जाने के लिए, नहीं तो उसको उड़ा देंगे हम गोली से। दूगो है लोहरा टाइप के, हमसे कभी विवाद नहीं है। हमारा नाम है चंद्रशेखर यादव। आपकी पत्नी का नाम क्या है? पिंकी देवी। वही घायल है ना? जी, वो हमारे पत्नी है। और मैंने बुरी तरह से पिस्तौल के बट से मारा है सर इसमें, और मैं लिया जब जिसको मन हुआ लाठी पहना सब से मारा, और पिस्तौल से जो मारा ना सर निकाल कर, वही से घायल हो गया। आई बड़का बिनटोली सायपुर कमा थाना हम सूचना दे दिए हैं, आवेदन भी लिख के हम दे दिए हैं। और उसके बाद हमको मैंने लिया रेफर किया सायपुर कमाल सदर में, हम यहाँ आए उनसे कर जा रहे हैं। पता नहीं, जमीन विवाद में लड़ाई परिवार में जमीन का झंझट है। अभी तो 3 आदमी यहाँ पर, मुकेश, रवीश, रामोदय।